गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ITF फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। यह आपका छठा लेक्चर है, तो हम लोग बात कर लें डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स जिसको हम लोग प्यार से ITF भी बोलते हैं, ITF बोलते हैं। इस ITF में आपको छह तरह का फंक्शन दिखेगा, साइन, इनवर्स, फिर कॉस इनवर्स, फिर आपको दिखेगा टेन इनवर्स, और फिर आपको दिखेगा कॉट इनवर्स, फिर आपको दिखेगा सेक इनवर्स, और फिर आपको दिखेगा कॉसेक इनवर्स। कभी कभी देखा ये जाता है कि साइन इनवर्स न लिख के ऐसा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। कैसा? देखिए, साइन इनवर्स एक्स है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्क साइन एक्स। मान के चलिए कॉस इनवर्स एक्स है तो इसको आप ऐसे भी किसी बुक में लिखा जाएगा, आर्क कॉस एक्स। ये पुराना है और ये नया है, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। आर्क मतलब इनवर्स ही होता है, आर्क का मतलब इनवर्स होता है। तो अब इसके डिफरेंशिएशन में आपको ध्यान ये रखना है कि स्टार्टिंग विथ सी टेक नेगेटिव साइन, अब आप ये बताइए किसका किसका शुरुआत जो है वो सी से हो रहा है। ये देखिए सर, सी से और ये सी से, ये तीनों का शुरुआत जो है सी से हुआ। मतलब जब भी हम ये तीनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तीनों का, तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमको माइनस लगाना है अगर हम भूल जाएं तो कोई बात नहीं। अब इस डिफरेंशिएशन में, ITF के डिफरेंशिएशन में एक खासियत है, जो डिफरेंशिएशन साइन का होता है वही डिफरेंशिएशन कॉस का होता है, जो डिफरेंशिएशन टेन का होता है वही डिफरेंशिएशन कॉट का होता है, और जो डिफरेंशिएशन सेक का होता है वही डिफरेंशिएशन कॉसेक का होता है। बोलिए इसमें अंतर क्या होता है, अंतर की बात क्या है? अरे भैया, इसके डिफरेंशिएशन में माइनस लगेगा, इसके डिफरेंशिएशन में माइनस लगेगा, बस यही अंतर है। जो डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स का वही डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स का, अंतर बस यही होगा कि इसके डिफरेंशिएशन में माइनस लगेगा। तो इसका मतलब है सर कि छह बंदर में से अगर हम ये तीनों का डिफरेंशिएशन दिमाग में रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये तीनों का डिफरेंशिएशन अपने आप आ जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। सेम
स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए स्क्रीनशॉट आप अगर ले लिए हैं तो अगले पेज पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम लोग बात करते हैं। तो डी हम बताए हैं, डी लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, ब्रैकेट। जब तक आप डिफरेंशिएशन सीख नहीं जाते हैं, और साइन इनवर्स हम लोग तो डब्बा से ही शुरू करते हैं। अब आपको ये बताना है कि नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा ये बताना है। फिर मान के चलिए डी, किताब में तो डब्बा नहीं दिया रहेगा, बुक में तो एक्स दिया हुआ रहता है, नीचे में क्या आएगा। तो ये वाला बुक के लिए हो गया। एक और देख लेते हैं, डी साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो बताते सर नीचे में क्या होता, हम तीन आपको लिख दिए। तो काम ये करेंगे सर कि सही है साहिल, बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। हम पहले वाले इसको बंद करेंगे, साइन इनवर्स को अगर हम बंद करें, इसको अगर हम बंद करते हैं तो नीचे में क्या आएगा, डब्बा। हम तो यही बताए हैं ना, पहले वाले को बंद कीजिए। ये जो पहला आपको दिख रहा है, ये पहला, ये वाला, आप इसको बंद कर दीजिए। अगर आप पहले वाले को बंद कीजिएगा और जो दिखेगा उसको आप नीचे लिख दीजिए। और साइन का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो वन बाय अंडर रूट वन माइनस डब्बा स्क्वायर, याद रखिएगा। जो है यहाँ पे उसका स्क्वायर कीजिएगा। फिर से बोलिए, साइन इनवर्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वन बाय अंडर रूट वन माइनस डब्बा का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। अब नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में एक्स आएगा। बोलिए वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। बोलिए वन बाय अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग साइन का डिफ्रेंसिएशन सीख चुके। अब यहीं पे लगे हाथ एक कहानी बता देते हैं। ये हाथी का सूर है, मतलब इसीलिए बता दे रहे हैं कि ये बहुत काम का चीज़ है। तो इधर से इधर आने का ये जो प्रोसेस होता है ये डिफरेंशिएशन का है, और वापस जाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो अब ये बताइए, ये इंटीग्रेशन हो गया, जब भी इंटीग्रेशन आएगा तो यहाँ पे dx आएगा, ये दोनों दोस्त है, ये आएगा तो ये भी आएगा, और जब जाएगा तो दोनों जाएगा। अब हमको ये बताइए कि 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। हम क्या बोले, जब ये इंटीग्रेशन आएगा तो dx भी आएगा, और जब जाएगा तो दोनों जाएगा, आप ही बताइए। तो हो जाएगा सर साइन इनवर्स x। ठीक है, बस हल्का सा हम बता दिए। अगर कोई आपसे अगर पूछता है कि हाथी का सूर 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस डब्बा स्क्वायर, और यहाँ पे d डब्बा है, तो बोलिए क्या होगा, साइन इनवर्स डब्बा। तो इसमें अगर हाथी का सूर लगा देंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें हाथी का सूर लगाएंगे तो ये मिल जाएगा। तो साइन, खैर इंटीग्रेशन से अभी हमको मतलब नहीं है, अभी हमको डिफरेंशिएशन से मतलब है कि साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो वन बाय अंडर रूट वन माइनस डब्बा स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। सही है,
चलिए एक छोटा सा चीज आप लोग से हम पूछ लेते हैं, हाथी का सूर, अगर आप लोग बता पाइएगा तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, खैर जरूरत नहीं है हमको यहाँ पे, जब भी ये हाथी का सूर आएगा तो डी एक्स भी आएगा। बताइए यहाँ पे क्या लिखें, ये जगह पे हम क्या लिखें ये बताइए। अभिषेक कुमार, टेन एक्स होगा, सही बात है, टेन एक्स होगा, कोई बात नहीं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दूसरी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अब ऐसे हम एक्स्ट्रा बता दिए, इसकी जरूरत नहीं थी, बी नंबर आ जाइए। अब बताइएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स डब्बा, नीचे बताइए, फिर बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, फिर बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स साइन एक्स, सर आप ही बताए थे कि जैसा डिफरेंशिएशन, पहले तो कॉस को हम बंद करेंगे तो नीचे में डब्बा आएगा, जैसा डिफरेंशिएशन कॉस का होता है वैसा ही डिफरेंशिएशन, सॉरी जैसा डिफरेंशिएशन साइन का होता है वैसा ही कॉस का होता है, तो जल्दी से बताइए, वन बाय अंडर रूट वन माइनस डब्बा स्क्वायर। कुछ गलती हो रहा है, क्या गलती हो रहा है सर, क्योंकि सी है इसीलिए आप माइनस लगा दें, क्योंकि सी है इसीलिए माइनस, एक्स क्या करेंगे वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बोलिए वन बाय नीचे में साइन एक्स अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या गलती हो रहा है सर, कुछ गलती तो हो रहा है, क्या गलती हो रहा है, हमने ये माइनस नहीं दिया और आपको पहले वाले को बंद करना है, ए इसको बंद कर लेना है, इसको बंद कर लेना है, इसको बंद कर लेना है, पहले वाले को बंद करना है, जो दिखेगा उसको आप नीचे लिख दीजिएगा। अब इसमें बताइए डी के बाद आपको ये ब्रैकेट तो देना ही देना है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, अब बताइए नीचे क्या आएगा, और नीचे अगर आप बता दिए तो वन बाय अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि सी है इसीलिए माइनस, तो जैसा डिफरेंशिएशन साइन का सेम डिफरेंशिएशन आपका कॉस का होगा, बस अंतर होगा कि आपको माइनस लगाना है। सही बात है, चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। तीसरा में क्या है सर, सी नंबर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ, इतना तो समझ में आ गया है कि पहले वाले को बंद करना है टेन इनवर्स, तो डी टेन इनवर्स डब्बा, नीचे क्या आएगा, डब्बा तो हम लोग के लिए है, बुक के लिए भी कुछ देख लेते हैं, बुक में एक्स ही दिया होगा, नीचे क्या आएगा, ये सजावट है, डी के बाद ब्रैकेट आपको तब तक लेना है जब तक आप डिफरेंशिएशन सीख नहीं जाते हैं, फिर डी टेन इनवर्स
कॉर्टेक्स, और नीचे क्या आएगा? तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हो जाएगा सर डब्बा, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे कॉर्टेक्स। अब टेन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 डब्बा स्क्वायर, या फिर ऐसा भी आप लिख सकते हैं 1/डब्बा स्क्वायर + 1, जो आपको पसंद आ जाए। इसमें बताइए 1/डब्बा की जगह पे क्या है, तो 1/1 + x² यहाँ पे बताइए 1/1 cot x का होल स्क्वायर। तो टेन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होता है 1/1 + डब्बा स्क्वायर। चलिए एक और बात कर लेते हैं सर, हाथी का सूर आ गया 1/1 + x² जब भी ये हाथी का सूर आएगा तो dx भी आएगा। आप खुद बताइए आंसर क्या होगा। स्क्रीनशॉट लिया जाए। हाँ सही है, टेन इनवर्स एक्स होगा, टेन इनवर्स एक्स। डी में आ जाइए, डी में क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स डब्बा, फिर आपका डी के बाद ब्रैकेट कॉट इनवर्स एक्स, फिर आपका डी के बाद कॉट इनवर्स 10x, और नीचे बताइए। तो हम लोग यही जानते हैं कि अगर जो डिफरेंशिएशन 10 का होगा वही कॉट का होगा। तो नीचे में डब्बा आप लिखिएगा 1/डब्बा स्क्वायर, जो 10 का वही कॉट का, एक्स है 1/, चलिए ऐसा लिखते हैं x² + 1 लिखते हैं, फिर 10x है तो 1/1 + 10² x। हमको लगता है कुछ छूटा लगता है, क्या छूटा आप ही लोग बताइए। अच्छा माइनस लगेगा आगे, सही बात है, आप लोग को याद है। देखिए हम अगले कलर से माइनस लगाते हैं, माइनस लगा दिए, और पहले वाले को बंद करना था, कॉट को बंद कीजिए, कॉट को बंद कीजिए, ये कॉट को बंद कीजिए, पहले वाले को बंद कीजिए। कॉट हो गया सर, इतना तो तय है ना कि पहले वाले को बंद ही करना है। अच्छा नोट्स बना लीजिएगा, अरे जो क्लास में पढ़ चुके हैं उनको हम नहीं बोल रहे हैं, जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं उनको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरे क्लास का नोट्स बनाना आपको बहुत ही ज़रूरी है, तभी इसका आपको फ़ायदा मिल पाएगा। चलिए ई नंबर में आ जाइए, किसकी बात कर लें, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स। थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा ही खतरनाक है, ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स डब्बा। नीचे सेक इनवर्स एक्स,
अपने फ्रेंड सर्कल में भी सबको बता दीजिएगा, कम से कम वो लोग डिफ्रेंसिएशन सीख ले, आगे काम आएगा, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन के जस्ट बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। कॉसेक एक्स बताइए नीचे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए सर डब्बा आएगा, कोई दिक्कत नहीं डब्बा आएगा, और होता है वन बाय यहाँ डब्बा अंडर रूट डब्बा स्क्वायर माइनस वन। ध्यान रखिएगा साइन इनवर्स में क्या होता है, ये पहले आता है और ये बाद में आता है और ये नहीं रहता है, लेकिन सेक इनवर्स में क्या है डब्बा डब्बा का स्क्वायर माइनस वन। अच्छा यहाँ पे बोलिए क्या होगा एक्स, अब डब्बा में कौन आ गया एक्स, क्या हो जाएगा वन बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स वन बाय कॉसेक एक्स अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। एक चीज और पूछना चाहते हैं आपसे, हाथी का सूर वन बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, जब भी ये हाथी का सूर आएगा डी एक्स भी आएगा साथ में, दोनों साथ में आएगा, तो हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए, तो इस तरह से हम लोग एक और बचा है कॉसेक इनवर्स एक और बचा है, उसका भी हम लोग देख ही लेते हैं। चलिए उसका क्या हो जाएगा एफ नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स। तो कॉसेक इनवर्स में विशेष कोई अंतर नहीं आने वाला है, ये आपको भी पता है कि क्योंकि जो सेक का होता है वही आपका कॉसेक का होता है। तो नीचे में डब्बा होगा वन बाय डब्बा डब्बा स्क्वायर माइनस वन, नीचे में एक्स होगा वन बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे रूट एक्स होगा वन बाय रूट एक्स अंडर रूट एक्स माइनस वन। आपको पहले वाले को बंद करना है, ये देखिए ये बंद हुआ, ये भी बंद हुआ और ये भी बंद हुआ, कुछ छूटा है लगता है सर, क्या छूटा है ये अब आप लोग बताइए क्या छूटा है। हमको लगता है ये माइनस जो है ये वाला माइनस आपका छूट गया, और इस तरह से आपका ITF का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, ये ITF का डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो कंडीशन है, अच्छा जो कंडीशन है नहीं ये एक आप भूल भी जाइए, अच्छा C है, क्योंकि ट्रिगोमेट्री के डिफरेंशिएशन में भी जहाँ जहाँ C होता है उसमें माइनस लगता है, और इन्वर्स में भी जहाँ जहाँ सी होता है वहाँ पे माइनस लगता है, बस आपके दिमाग में रहेगी और माइनस छूट गया है लगता है तो आप लगा दीजिए, और कोई बात नहीं। तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ये डिफरेंशिएशन का टोटल कितना हुआ आप लोग बता सकते हैं, टोटल
टोटल डिफरेंशिएशन में कितना फंक्शन आप लोग को अभी तक हम पढ़ाए ये बताइए। सबसे पहला पढ़ाए बेस और पावर, आपको बताए बेस जो होना चाहिए वहां पे एक्स या वाई दिखना चाहिए और पावर जो होना चाहिए उसमें कांस्टेंट दिखना चाहिए, और डाउन में बेस आएगा। बेस पावर ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट था, डब्बा पे पावर एन, और इसका डिफरेंशिएशन होता था पावर आगे और पावर में से एक कम। बेस पावर एक सिंगल फंक्शन है जिसमें हम लोग बंद नहीं करते हैं, ये बेस होता है पावर होता है, इसका डिफरेंशिएशन हम तभी कर पाएंगे जब बेस में वेरिएबल हो, मतलब यहाँ पे एक्स या वाई में से कोई एक होना चाहिए, पावर में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हो, तो डाउन में बेस आएगा, ठीक है। और इसका जो है इसका हम दो ट्रिक बताए अगर आपको याद हो तो, ट्रिक इसमें हम दो ट्रिक आप लोग को बताए, अगर बताए हो तो जरूर बताए होंगे, दो ट्रिक हम बताए हैं। ये पहला है आपका, पहला ट्रिक बताए हैं इसमें कि ऐसा रहे, ये पहला ट्रिक है स्क्वायर रूट के लिए और ये वाला ट्रिक है वन बाय डब्बा पे पावर एन के लिए, ये दो ट्रिक बताए हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट डब्बा बराबर नीचे में आता है डब्बा और इसका डिफरेंशिएशन होता है वन बाय टू क्वेश्चन, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन। और इसमें हम आप लोग को बताए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन बाय डब्बा पे पावर एन नीचे में डब्बा और होता है माइनस एन और डब्बा पे पावर एन प्लस वन, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें हम लोग किसका डिफरेंशिएशन सीखते हैं, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सेकेंड रुकिएगा। एक सेकेंड, चलिए ये आपका बेस पावर का हो गया था, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर था ई पे पावर डब्बा, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बंद जैसा का तैसा। फिर तीसरा बताए थे लॉग डब्बा, इसमें भी क्या करना होता था, बंद, और इसका होता था वन बाय डब्बा। चौथा में बताए थे साइन,
और इसका होता था कॉस, इसमें भी बंद करना होता था। बी में बताए थे कॉस, इसमें भी बंद करना होता था, कॉस का होता था माइनस साइन। सी में बताए थे टेन, इसमें भी बंद करना होता था, टेन का होता था सेक स्क्वायर। और नीचे से एंगल बनता था, ये जो प्लेस है यहाँ पे, ये नीचे वाला आता था, डी टेन के बाद कॉट डब्बा, कॉट सॉरी टेन के बाद सेक का था। सेक का क्या बताए थे, सेक डब्बा टेन डब्बा। फिर ई में था कॉट डब्बा, कॉट डब्बा का था आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर। फिर आपका था कॉट के बाद कॉसेक डब्बा, क्या था आपका माइनस कॉसेक डब्बा और इनटू कॉट डब्बा। उसके बाद पांचवा में था साइन इन्वर्स डब्बा, ए में इसका था वन बाय अंडर रूट वन माइनस डब्बा स्क्वायर। टेन इन्वर्स डब्बा था वन बाय वन प्लस डब्बा स्क्वायर। फिर आपका सेक इन्वर्स डब्बा था वन बाय डब्बा अंडर रूट डब्बा स्क्वायर माइनस वन। और सी में आपको माइनस लगा लेना था, यानी पूरे के पूरे में सर बंद ही करना था, पहले वाले को बंद करना था। अगर इतना बात आप सीख लिए ना, तो हम ये बात आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं कि अब आपको डिफरेंशिएशन में कहीं दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन मेरा ये वाला बात आपको याद रखना होगा कि बंद करना है नीचे में, जो मैकेनिज्म हम आपको बताए हैं वो आपको याद रखना होगा, तभी काम बनेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अब आगे चलते हैं। खूब खुश रहिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चैन रूल की। तो चैन रूल कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैन रूल कल से स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय बाय, नोट्स ज़रूर बनाइएगा।